रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम रहमत से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, हम सब भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। विदा ब्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। शुरू करते हैं जी आज का ब्लॉग। आज हम बनाएंगे जी, मैं किचन में आई हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के नमाज़ वगैरह पढ़ के तो उसके बाद मैं जी बना रही हूँ, आटा गूंदने लगी हूँ। आटा गूंदने हम आलू पालक के पराठे बनाएंगे अब, ठीक है ना, वो आपके साथ भी शेयर करते चले जी। मैं आटा गूंद लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ जी। माशाल्लाह जी देखिए जी, चाय तैयार हो रही है। बच्चों ने कहा है कि हमने ज़रा लाइट पीनी है इसलिए हमने ज़्यादा पत्ती नहीं डाली, और ये चाय तैयार हो गई है माशाल्लाह से। ये देखें जनाना साहब ने आज चाय बनाई, वो कहते मैं भी आपके साथ आज काम करवाता। मैं कहा चलें जी करवा ले, कोई बता आपको बच्चों को पता है सुबह सुबह पराठे आलू के हों, आलू पालक के हों, गोभी के हों, मूलियों के, आजकल बड़े मज़े के लगते हैं इसी, फिर उसके साथ चाय ज़रूरी होती है इसलिए मैंने जो चाय बना ली, ठीक है ना। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, हमने अपनी बाहर से पीनियाँ उतारी हैं और ये काट रहे हैं जी। मेरे हस्बैंड है और कह रहे हैं कि मैं आप बच्चों को आलू पालक वाले पराठे बना दे और मैं भिंडियाँ काट के पकाता हूँ तो मैं ये वाले खा लूँगा। हाँ जी क्या कर रहे हैं आप? मैं ये भिंडियाँ बना रहा हूँ, पता नहीं इनमें कोई सुंडियाँ वगैरह तो नहीं पड़ी होती आजकल? नहीं नहीं आजकल नहीं होती सुंडियाँ ना, मुझे तो लग रहा है कि इनमें कोई खराब खराब भिंडियाँ नजर आ रही। नहीं नहीं जी कुछ पकी हुई होंगी इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना सही है। चले ठीक है आप काटे, फिर मैं बच्चों के लिए पराठे बना, ठीक है ना। अभी तो हमने पकानी है। हमारे जी देखिए जी, मैंने दो पेड़े बना लिए, अब इसमें पालक का सालन डालेंगे, आलू पालक का जो मैंने मैश किया हुआ है ना, क्योंकि कुछ लोग बनाते हैं ऐसे के मतलब कि इसमें डाल के भी बना, एक पेड़ा लेते हैं और उसमें जो डाल लेते हैं वो भी पराठा बन जाता है, वो उसकी जैसे जैसे आलू वगैरह नान वगैरह वो भी किसी ने बना करता होंगी। आज मैंने दो रोटियाँ बना के इसमें फिलिंग करके जैसे आलू के बनाते हैं, मूली के भी ऐसे बनाते हैं तो वो मैं बनाऊँगी, ठीक है ना। हाँ जी ये देखिए जी, मैंने फिलिंग कर ली है, अब इसके ऊपर मैंने ये मेरी रोटी रख दूँगी, ठीक है जी। देखिए ये देखिए मैंने इसको ऐसे कर रही हूँ, ये देखें जी माशाल्लाह मैंने रोटी बेल लिया, अब इसको मैं तवे के ऊपर डालने लगी हूँ। ये देखिए मैंने तवे के ऊपर रोटी डाल ली है, ये देखें ये देखें जी, मैंने एक साइड पर आयल लगा लिया, अब इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ। चलो जी बिस्मिल्लाह, ये देखिए और साथ ही ये देखिए जी, जी हाँ कह रही है मैंने नूडल्स लेके जा रहे हैं, उसके लिए नूडल्स बना रहे हैं, कहती मैं स्कूल में नूडल्स लेके जाने हैं और मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही है जी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे आलू पालक वाला पराठा तैयार हो गया और अब मैं बच्चों को चाय के साथ ना ये देने लगी हूँ, ये कितना प्यारा माशाल्लाह लग रहा है। ये देखिए जी आलू पालक वाला पराठा बन गया और इसकी लुक देखिए आपको नज़र आ रही है जी माशाल्लाह। मेरा बेटा खा रहा है आलू पालक वाला पराठा और चाय के साथ ना वो खा रहा है, ये देखें। और ये देखिए जी क्या कर रहे हैं साहब आप? मैं ना ये भिंडियाँ बना रहा हूँ। इसमें आप डाल क्या रही है? जैतून का तेल है। हाँ जी ये सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। ठीक है देखिए भिंडियाँ काट ली और ये अब ये सही मोटा सही सफल आपको वो निकाल दीजिए। देखिए आप माशाल्लाह पकाएंगे, फिर जो कब खाएंगे फिर भी आपको बताते हैं। कितनी प्यारी वैसे इसकी ऐसी लुक लग रही है, ये देखिए मैं ना इसको ना तो ऐसे फोल्ड करती है ना ऐसे ऐसे, ये देखिए इसको ना मैं ऐसे करके ऐसे तो टीवी में बताते हैं ऐसे करके इसको मैं गोल सा बना लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखिए जी ना सामने की नोक मिर्च डाली, वैसे इसको हल्का सा भून रहे कहते हैं मतलब थोड़ा सा भून के फिर इसमें नोक मिर्च डालते हैं। ये देखिए जी मैंने वो जो आपको बताया ना कि दूसरे तरीके से उस तरह का भी मैंने पराठा बना लिया, अब देखते हैं टेस्टी कौन सा बनता है। मुझे लगता है टेस्टी जो दो पेड़े बना के बनाते हैं ना वो अलग है, ये वाला ऐसा था जैसे आलू वाला बना नहीं होता इस तरह का होता है। ये देखिए जी वो दूसरा वाला पराठा जो मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे आलू वाला नान होता है उस तरह का बनाया है, और ये देखिए इसमें मसाला नज़र भी आया ऐसा ही होता है। ये देखिए जी मैंने इसको ऑयल लगा लिया, अब इसकी मैं साइड चेंज करने लगी, ये देखें जी शाह साहब ने डाल दिए इसमें नमक मिर्च हल्दी और इनको मिक्स कर दिया अच्छी तरह, इनको हिलाएं बाहर से तोड़ते हैं जब भी दिल करता है। इसमें चार भी डाला हुआ है, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए इसमें चार भी डाला हुआ है, ये देखिए ये चार है, ये चार के साथ चार वाली भी नहीं है जो बड़ी टेस्टी बनती है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ जी माशाल्लाह से ये देखिए जी इसकी लुक ऐसे बनी जैसे आलू वाला नान नहीं होता उस तरह की लुक आ रही है, ये देखिए
ये देखो जी माशाल्लाह बिड़ियाँ तकरीबन तैयार हो गई हैं, जल्दी जल्दी सी बन जाती झटपट सी बन जाती है। घर में कोई शेयर करने से होता है आपको चीज़ें ज़्यादा अल्लाह ताला देता है, शेयर जब करें तो चीज़ें अल्लाह ताला ज़्यादा देता है, देता है ठीक है ना, शेयर करना ज़रूर ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज़। ये देखिए जी माशाल्लाह जी भिंडियों के फाइनल लुक जी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मेरे ना जो हस्बैंड ने वो इन्हें खाने लगे हैं, पराठा भी बनाया साथ में रोटी बनाई है। जो लहसुन लगाया होता ना उसमें से ना जो फ्लावर भी लगा दिए, जो पिंक विंक आते हैं ना उनके फ्लावर जो 5-6 पौधे ना बाहर मेरे उगे हुए थे ऐसे ही, तो वो भी लगा दिए ठीक है। और अब हम ना पालक तोड़ने बाहर जा रहे हैं। और ये देखिए जी माशाल्लाह मैं आई हूँ बाजी के खेतों में, ये देखिए माशाल्लाह ये लहसुन लगा हुआ है ठीक है, वो आगे भी लहसुन है, ये माटे का प्लांट है। और वो देखे ना ये मूलियाँ लगी हुई हैं, ये मूलियों के प्लांट है। ये भी इधर पालक लगी हुई थी ये देखे, और पालक काट दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा हो ये देखे। और ये देखे जी हमारा गांव माशाल्लाह से, ये देखे सुबह सुबह का टाइम है, और ये धूप, और ये देखे, और माशाल्लाह से ये देखें जी नजर आ रहा है आपको ये देखिए। और ये इसमें साग भी उगा हुआ है, इधर से मैंने तोड़ा था, अब उन्होंने सारे चारा काट लिया और आगे वो आलू लगा दिए, वो आगे वाली जो खेत नजर आ रहे हैं ना उधर आलू लगा दिए ये देखिए। यहाँ पर दूर दूर तक जो नज़र आ रहे हैं ना वो आलू लगे हुए, मैंने पहले ब्लॉग में बताया था ना ये देखिए इधर, और ये देखिए पालक काट दिए उन्होंने, ये सुखचैन का पौधा लगा हुआ है जी सफेदे के जो होते हैं, ये मेरी बाजी है साथ ही उनके खेत है, तो उन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं सारी। ये देखें मूली मैं दिखाती भी हूँ आपको, उगी हुई है कि नहीं उगी हुई, ये देखें जी माशाल्लाह, ये देखें वाइट वाइट नज़र आ रही, और ये देखें वाइट वाइट लेकिन ये देखें ये तो ज़्यादा सही है, ये ठहरे ये देखें जी नज़र आ रही है आपको माशाल्लाह, एक वो भी नज़र आ रही, एक वो भी बीच में भी है वो देखें, ये देखिए इधर से ऐसे भी होता है ये देखें माशाल्लाह बड़ी प्यारी। ये धनिया उगा हुआ है, ये भी छोटा छोटा है, ये इधर मेथी लगाई हुई है ठीक है, नज़र आ रहा है कितने प्यारे ये साग का पौधा है।